दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बैंकों में रोज़ नए नए कानून आते हैं और ये कानून आरबीआई की तरफ से बदले जाते हैं। तो दोस्तों, आज भी एक कानून हमारे सामने यहाँ पर आरबीआई का निकल कर आ रहा है, जिसमें बताया गया है कि फिक्स डिपॉजिट को लेकर आरबीआई ने बदला नियम, बैंक वसूल करेगा ग्राहक से ब्याज। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कोई ना कोई बढ़िया से बढ़िया अपडेट लेकर आते हैं। आज भी एक ऐसी अपडेट लेकर आए जो जागरण से है। क्या आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है और वह मैच्योर हो गया है? अगर ऐसा है तो तुरंत निकाल लें, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमों में संशोधन किया है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए 5 जुलाई 2021 की, आरबीआई की तरफ से यहाँ पर बहुत नियम बदल चुके हैं। ये बड़ी खबर जो आपके लिए हम लेकर आए दोस्तों नई दिल्ली से है। क्या आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है और वह मैच्योर हो गया है? अगर ऐसा है तो तुरंत निकाल लें, नहीं तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियमों को संशोधन किया है, जिसके अनुसार बैंकों के पास सावधि जमा टर्म डिपॉजिट का दावा न की गई रकम पर बचत खातों पर लागू ब्याज दर पर ब्याज लगेगा। म्यूचुअल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज जो भी कम हो, अभी अगर कोई सावधि जमा म्यूचुअल है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक के पास दावा न की गई रकम पर बचत का जमा पर लागू ब्याज दर लागू होगी। आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों की समीक्षा करने पर यह फैसला लिया गया है। अगर कोई सावधि जमा टीडी मैच्योर होती है, आय का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक के पास दावा न की गई रकम पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या अनुवादित ब्याज दर परिपक्व टीडी जो भी कम हो। सरकारी बैंकों में सावधि जमा के मामले में भी ऐसा ही मानदंड होगा। तो दोस्तों, ये आरबीआई के कुछ यहाँ पर नियम बदले गए और इन बदले हुए नियमों में केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और छोटे वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, प्राथमिक शहरी और सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को एक पत्र भेजा है। या दोस्तों, ये एक पत्र भेजा गया है। क्या है टीडी? सावधि जमा एक निश्चित समय के लिए बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज असर वाली जमा रकम, असल वाली जमा रकम को संदर्भित करता है और इसमें आवर्ती संचय, वार्षिक पुनः निवेश जमा और नकद प्रमाण पत्र जैसे जमा भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की आरबीआई पर एक लेटेस्ट अपडेट, जो बैंकों में यहाँ पर रोज़ नए नए कानून बदले जाते हैं उसको लेकर एक आरबीआई का एक और नया यहाँ पर हमारे पास फिक्स डिपॉजिट को लेकर कानून आरबीआई की तरफ से निकाला गया है और इसके नियम भी यहाँ पर बता दिए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल